तो देखिए, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी है जमानत के रिगार्डिंग। जी हाँ, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जमानत के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों के अंदर बोल दिया है कि जमानत का आदेश जो है रद्द कर सकती है कोर्ट। इट मीन्स कि कोर्ट, मान लीजिए किसी पर्सन को जो है कोर्ट ने जमानत दी है, तो उसके बाद जो है कानून का जो स्थापित नियम है वो ये कहता है कि जब किसी पर्सन को जमानत मिल जाती है तो उसे किसी भी जो है एक यांत्रिक तरीके से ही उस जमानत को जो है रद्द किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं कि जमानत जो है रद्द नहीं होती है, पर लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने बोला है कि अगर उस पर्सन के ऊपर आरोप जो है बहुत ही गंभीर प्रकृति के लगे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है कोर्ट को ये राइट है कि वो जो है जमानत को रद्द कर सकती है। और देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या बोली है, इम्पॉर्टेंट बात ये बोली है कि अगर उस पर्सन ने जिसको जमानत मिली है और जिस ग्राउंड पे उसे जमानत मिली है और उस ग्राउंड का उसने वॉयलेशन भी नहीं किया, तो भी जो है उस पर्सन की जमानत रद्द की जा सकती है। जी हाँ, ये बड़ा अच्छा जजमेंट जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो हमारी जज है जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस जो है असानुद्दीन ने जो है ये इम्पॉर्टेंट जो है जजमेंट यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर क्या था कि चार यहाँ पर एक पर्सन थे जिन्होंने किसी पर्सन की हत्या करी थी, ठीक है, तो उन चार आरोपियों को जो है हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, बट यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो है जमानत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जो आरोप इन पर्सन पे लगे हैं ये बहुत ही गंभीर प्रकृति के जो है आरोप यहाँ पर लगे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो अखबार की कटिंग है, ये जो है हिंदुस्तान जो है न्यूज़पेपर है, उसकी कटिंग भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों के अंदर बोल दिया कि यहाँ पर जो है हम जो है उस पर्सन की जमानत को रद्द कर सकते हैं। ये ऊपरी कोर्ट का जो है उसके ऊपर फैसला है ऊपरी कोर्ट का कि वो जो है अपराध को देखकर, उसकी प्रकृति को देखकर, उसके नेचर को देखकर जो है जमानत रद्द कर सकती है। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या बोली गई है, तो यहाँ पर बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये पूरी पावर है कि वो जो है निचली कोर्ट ने जो भी जो है जमानत दी है उसे रद्द कर सकती है। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत दी है, तो वहाँ पर जो है हाई कोर्ट को राइट है कि वो जो है उस जमानत को रद्द कर सकते हैं। और सेम ऐसा जो है अगर हाई कोर्ट ने जमानत दी है तो सुप्रीम कोर्ट को जो है ये फैसला लेने का अधिकार है कि उस पर्सन को जमानत दे या ना दे। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि जब भी आप किसी को जमानत दे रहे हैं और जमानत देते समय जो है आप कई चीज़ों को ध्यान में रखें, यहाँ पर जो है किन किन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, तो यहाँ पर देखा बोला गया है कि उस पर्सन ने क्या ऑफेंस किया, उसका नेचर देखा जाना चाहिए, ठीक है, उस पर्सन का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए, क्या उस पर्सन ने पहले भी कुछ ऐसा क्राइम किया है। तो कई सारी बातें जो है कोर्ट ने बोला कि इन सब जो है इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखकर जो है एक पर्सन को जमानत देनी चाहिए। और मान लीजिए वो पर्सन जो है इन चीज़ों का वॉयलेशन करता है या ये चीज़ें जो है उस पर्सन के जो भी उसने ऑफेंस किया उसके अंदर जो है इंक्लूड है, उस पर्सन ने जो भी जो है अपनी सहभागिता निभाई है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है जमानत को रद्द कर सकती है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैसला जो है यहाँ पर जो है सुनाया यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।